हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट। अब पहला पॉइंट आपको प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। जब सन से सोलर रेडिएशन लाइट के फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आती हैं, तो वो सोलर रेडिएशन हमारी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं अर्थ सरफेस के द्वारा और कन्वर्ट कर दी जाती हैं हीट एनर्जी में। उस हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग फ्लूइड मटेरियल जो होते हैं हमारे, जैसे वाटर, एयर या ऑयल, इन्हें हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ये फ्लूइड मटेरियल जो है हीट को स्टोर कर लेते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट। अब आपका आता है सेकंड पार्ट, डिफिनीशन। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताना है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर की डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल होती है और यह जो है सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट बताएंगे कि इस कलेक्टर में डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट में। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होती हैं, जब सन से सोलर रेडिएशन सीधे हमारी अर्थ सरफेस पर आके एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रेडिएशन। और डिफ्यूज रेडिएशन हम लोग किसे कहते हैं, जब सन से सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती हैं और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, उनसे वो टकरा के स्कैटर्ड होके या तो रिफ्लेक्ट या तो वापस चली जाती हैं और कुछ रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस पर आके एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। अब डायग्राम देखिए आप लोग, डायग्राम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का क्या होता है। आपको एक बॉक्स बनाना है, इसमें जो है सोलर रेडिएशन इस ट्रांसपेरेंट कवर पे जो ग्लास का बना हुआ होता है उस पे आके गिरती हैं। सोलर रेडिएशन आपकी डायरेक्ट रेडिएशन के फॉर्म में या तो डिफ्यूज रेडिएशन के फॉर्म में आती हैं इस ट्रांसपेरेंट कवर पे। ये ट्रांसपेरेंट कवर जो है ग्लास का बना हुआ होता है। जब सोलर रेडिएशन इस ट्रांसपेरेंट कवर से अंदर की ओर आती हैं, तो यहाँ पे जो है हीट के फॉर्म में ये कलेक्ट होने लगती हैं सोलर रेडिएशन। ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास का यहाँ पे क्यों रखा जाता है, अगर हम लोग इसे नहीं रखेंगे तो एयर आएगी और जो हीट कलेक्ट हो रही है उसे ये बाहर निकाल देगी, तो हमारा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे हीट कलेक्ट हुई है तो हमने यहाँ पे एक एब्जॉर्बर प्लेट लगा दिया। एब्जॉर्बर प्लेट आप लोग देख रहे हैं ब्लैक मार्कर से, यहाँ पे मैंने मार्क किया ये पूरी बड़ी लाइन, ये एब्जॉर्बर प्लेट होती है। जो हीट यहाँ पे कलेक्ट हुई होती है उसे ये है एब्जॉर्बर प्लेट अपने आप एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर ये एब्जॉर्बर प्लेट जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी हीट को, फिर इसके नीचे हम लोग ट्यूब लगा देते हैं। ट्यूब के अंदर हम लोग फ्लूइड मटेरियल रख देते हैं, जो भी फ्लूइड मटेरियल को हमें गर्म करना होता है, एयर, वाटर, ऑयल को हम लोग उसके अंदर ट्यूब के अंदर भर देते हैं। अब ये हीट जो है इसको ट्यूब को गर्म करने लगती है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो भी गर्म करने लगता है, अपने अंदर हीट स्टोर करने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। अब इसके नीचे आता है थर्मल इंसुलेशन। इंसुलेशन यहाँ पे क्यों कर दिया जाता है, जो हमारी हीट यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट से नीचे आ रही है उसको वो हीट जो है गायब ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना होने लगे धीरे धीरे, उस हीट की लॉस को रोकने के लिए हम लोग थर्मल इंसुलेशन लगा देते हैं, जिसके कारण हीट लॉस कम हो और जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मटेरियल को गर्म कर सके और फ्लूइड मटेरियल जो है हीट को स्टोर कर सके। तो ये आपका आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के वर्किंग सिस्टम में और उसके डायग्राम में। अब देखिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये आपका ट्रांसपेरेंट कवर होता है, डायग्राम में देखिएगा। ठीक है, ये आपका ग्लास का बना होता है। ट्रांसपेरेंट कवर का वर्क क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन को अंदर भेजना और जो हीट कलेक्ट की जा रही है यहाँ पे उस हीट को ट्रैप करना, ये आपका आता है ट्रांसपेरेंट कवर में। सेकंड है एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एब्जॉर्बर प्लेट होती है, ये देखिए, ये एब्जॉर्बर प्लेट है जो लाइन ऐसे खींची है। इसका क्या काम होता है, जो हीट कलेक्ट हुई है उसे एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, थर्ड है इंसुलेशन। इंसुलेशन आप लोग देख रहे हैं, ये थर्मल इंसुलेशन ये भरा हुआ है पूरा। इसका क्या काम होता है थर्मल इंसुलेशन का, हीट जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एब्जॉर्बर प्लेट के द्वारा, तो उस हीट को लॉस होने से बचाता है थर्मल इंसुलेशन, कि वो हीट लॉस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मटेरियल ट्यूब के अंदर जो भरा हुआ है वो गर्म हो सके।
फोर्थ आता है ट्यूब। ट्यूब का क्या काम है? ट्यूब का ये काम है कि फ्लूइड मटेरियल को कलेक्ट करना अपने अंदर और फिर गर्म हो के उस फ्लूइड मटेरियल को गर्म करना, ठीक है। ये आपके आते हैं कंपोनेंट्स में। अब एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर के? पहला है एब्जॉर्ब बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। हाँ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये आपका डिफ्यूज एंड डायरेक्ट रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है लो कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये लो कॉस्ट रखता है और बहुत ही कम से कम या मेंटेनेंस भी रखता है। इसमें कोई भी मेंटेनेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आराम से इसका मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज देखिए, पहला है हैवी इन वेट, मतलब इसका जो सेटअप होता है काफ़ी ज़्यादा वेट रखता है, भारी होता है। सेकंड है लो टेम्परेचर इज अचीव्ड। हाँ, सेकंड आपको ये बताना है कि काफ़ी कम टेम्परेचर जो है हम लोग अचीव्ड करते हैं जब यहाँ पे हीट जो है आती है, कलेक्ट होती है, बहुत ही कम हीट कलेक्ट की जाती है, क्योंकि सोलर रेडिएशन से आप लोग कितनी हीट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि लो टेम्परेचर इज अचीव्ड। तो थैंक यू गाइज, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।